हेलो स्टूडेंट्स, सो बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था और आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि वीडियो बनाइए सर। ठीक है, तो आज मैं आया हूँ आपके लिए नया वीडियो लेके, फ्रेश वीडियो लेके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मज़े में, बढ़िया, बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। ओके, सो आज का टॉपिक क्या है, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था? ठीक है, कहाँ पर छोड़ा था याद है आपको? प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था कि एक बॉडी है, यहाँ से उठाया, यहाँ पे गया, यहाँ से फेंका, यहाँ पे गया। ठीक है, तो ये जो मोशन था बॉडी का, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड से उठा के हमने ग्राउंड पे ही फेंका था, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या दिख रहा है आपको? प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या बना हुआ है, टावर बना हुआ है। ठीक है ना, और टावर से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉडी को। ओके, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड आई होप सो कि मैं आने वाले जितने भी दिन होंगे डेली पर डे आपके लिए वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड करूंगा, एंड आप कमेंट कर सकते हैं आपको जो भी वीडियो लेक्चर चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे वीडियो लेक्चर में जल्द से जल्द आपको सारे के सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूं। ओके, सो आज का टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी बातें हम लोग करते रहेंगे, चलो देखते हैं फिर। तो मान लो कि एक टावर है ना, एक बिल्डिंग है, बहुत ऊंची सी ऐसे स्विंगिंग बिल्डिंग है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ऐसे थ्रो कर दिया, क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे एक टावर है, और टावर से हमने ऐसे फेंक दिया, कैसे जाएगा ऑब्जेक्ट, देखो कैसे गया ऑब्जेक्ट, ऐसे गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, देखो तो इसका पाथ कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल सही, समझ पा रहे हैं ना आप लोग कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो मोशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि हमने प्रोजेक्ट किया है बॉडी को, किसको, बॉडी मतलब कौन, प्रोजेक्टाइल, और उसको हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, और प्रोजेक्ट करने पे क्या हुआ, बॉडी कुछ इस तरह से आके यहाँ पे गिर गई। ठीक है, तो अब देखते हैं बात को, ध्यान देते हैं, है ना, कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमने इसका जो हाइट लिया है, मान लो कि हमने कुछ एच हाइट का टावर लिया है। ठीक है, कितने हाइट का टावर लिया है, एच हाइट का टावर लिया है, और इनिशियली आपने उसको वेलोसिटी दी है यू। ठीक है, और आपने प्रोजेक्शन कैसे किया है बेटा, तो आपने प्रोजेक्शन किया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, हमने कैसे प्रोजेक्ट किया है बॉडी को, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है। फर्स्ट केस हम लोग यहां पे देखेंगे, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर का हम तीन केस यहां पे पढ़ने वाले हैं। पहला केस कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दूसरा केस हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे, है ना, अबव हॉरिजॉन्टल, और तीसरा केस नीचे की तरफ, बिलो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, है ना, हम लोग सीधा सीधा फेंक रहे हैं बॉडी को। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो जो चीज़ें हमारे पास हैं, पहले हम उसके साथ देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं, और उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है भाई, कितना है, तो यूएक्स का वैल्यू है यू, एक्स एक्सिस में है ना ये, हमने ऐसे फेंका, तो यूएक्स का वैल्यू कितना है यू। ओके, और एक्स का वैल्यू कितना है बताओ, आपको पहले से ही आपको ये बात पता है कि हम यहाँ से जब किसी बॉडी को फेंकते हैं, ठीक है, तो उसके पास एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है यार, क्यों नहीं होती है, तो बात ये है ना, आप बोलोगे सर ये तो बॉडी रेस्ट में थी, और बॉडी रेस्ट से उसको हमने उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, उसके वेलोसिटी में चेंज ले आए ना हम लोग, तो बिना फोर्स लगाए उसकी वेलोसिटी में चेंज कैसे लेके आएंगे, तो यस फोर्स लगाते हैं हम लोग, बट वो फोर्स कब होता है, फोर्स एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन लगता है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वो फोर्स नहीं लगता है। जिस समय हम उसको मार रहे थे ना, जिस समय हम उसको फेंक रहे थे, उस टाइम पे आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, है ना, आपने इम्पल्स के बारे में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आगे वाले वीडियो लेक्चर में आपको, जब मैं NLM पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें आप देख लेना। ओके, तो चलो देखते हैं, इस समय क्या किया हमने, जस्ट इसको एक फोर्स लगा के वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया और छोड़ दिया। ओके, कोई दिक्कत, अब देखो एक्स का वैल्यू है जीरो, और कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग, ये किसका मोशन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला मोशन हो गया, कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, है ना, एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में क्या क्या मोशन है, इसके पास क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है,
तो UI का वैल्यू कितना है दोस्त? इनिशियली हमने क्या किया, हमने किधर फेंका है, X में फेंका है, तो Y का वेलोसिटी जीरो, कुछ भी नहीं। और AY का वैल्यू कितना है बताइए, कितना है? ऑल टाइम, जितने भी टाइम बॉडी मोशन में रहेगी या फिर कहीं भी रहे, मोशन में रहे ना रहे, हर समय उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किधर ग्रेविटेशन में बताओ किधर लगता है? नीचे। तो AY का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस जी। माइनस क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? माइनस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इतना डाटा हमारे पास गिवन है। और हाँ, एक साथ ही साथ एक और डाटा गिवन है, SY का वैल्यू कितना है बताओ? यहां से जब यहां पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, माइनस में कि प्लस में? ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है? नीचे। तो क्या लिखोगे SY का वैल्यू? माइनस एच। सही बात है, इतना डाटा हमारे पास है पहले से। ओके, अब हम इन डाटा के ऊपर हम कुछ कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पे हमने क्या बात किया था सबसे पहले बताओ? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात किया था हमने, ठीक है, कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बताओ। मतलब क्या है कि वो कितने देर तक वो बॉडी, जैसे हमने फेंका, कितने देर तक बॉडी स्विंग हवा में थी, कितने देर तक बॉडी हवा में थी, उसका टाइम हमें पता करना है। तो उस टाइम को हम बोल रहे हैं यहां पे कितना, टी से डिनोट कर देते हैं उसको। चलो देखते हैं, अब बताओ मुझे, ये बॉडी यहां से फेंका गया और यहां पे आके गिर गया, है ना? जितना देर में यहां पे गिरा है उतने देर में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वाई डायरेक्शन में? कितना किया है बताओ आप, कितना किया है? माइनस एच किया है। सही बात है, हम लोग यहां पे एक काम करते हैं, SY इक्वल टू एक फॉर्मूला लिखते हैं, UY प्लस 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 कितना, हाफ AY इनटू टी स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताओ? y एक्सिस का मोशन है तो y का सारा हमने डाटा ले लिया है, ठीक है। SY का वैल्यू कितना होगा ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से जब यहां तक गिर रहा है वो, y में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितना किया बताओ? कितना किया? माइनस एच किया, है ना? और x में कितना किया, x में कितना किया? जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसको हम क्या बोल देंगे? रेंज बोल देंगे। गॉट इट? आर से डिनोट कर दें हम लोग इसको, है ना? चलो, SY इक्वल टू UY प्लस हाफ AY इनटू T स्क्वायर। SY का वैल्यू कितना होगा बताओ? तो T टाइम के लिए, अगर यहां से यहां तक टोटल टाइम के लिए देखेंगे तो ये T के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दूंगा, ठीक है। और SY का वैल्यू कितना होगा? माइनस एच। UY का वैल्यू कितना होगा आप बताओ? क्या लिखा हुआ है यहां पे? गिवन डेटा है हमारे पास जीरो, तो ये हो गया जीरो प्लस हाफ। AY का वैल्यू बताइए, AY का वैल्यू कितना है? माइनस जी है, ठीक है। T का वैल्यू कितना है? T का वैल्यू हमने क्या लिया है, ये यहां से यहां तक आने वाला टाइम, पूरा टाइम, तो ये हो गया T स्क्वायर। हां जी बोलिए, आ रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया, यहां पे जीरो है तो खत्म हो गया, माइनस और माइनस कट जाएगा और यहां से T का वैल्यू बच जाएगा अंडर रूट 2H बाई जी, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट होगा मैं आपका क्लियर करके दूंगा, ठीक है। ये आपको हो गया यहाँ पे टाइम पीरियड, है ना, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, कितने देर में वो नीचे आके गिरा है, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और कुछ कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा। अगर मुझसे ये कोई पूछे कि बताओ तो कितने दूर पे जाके गिरेगा इस बिल्डिंग से, जैसे मैं कोई चीज फेंका हूं, कितनी दूर पे जाके गिरेगा बताओ, तो हम लोग क्या बताएंगे उसके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस में जितना नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसे हम कहते हैं रेंज, ठीक है। तो हम यहां पे निकाल लेते हैं रेंज, ठीक है, बहुत आसान है ये सब, फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है। अगर किसी ने कहा हो फिजिक्स बहुत हार्ड है तो डोंट वरी, दिन में चार बार बोलो फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सो यहां पे मुझे किसका मोशन चाहिए, कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक्स एक्सिस में चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स एक्सिस वाला इक्वेशन, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। हाँ जी, अब देखो बात को, ए एक्स का वैल्यू कितना है हमें पता है, कितना है? जीरो। तो ये हो गया जीरो, मतलब ये पूरा टर्म हो गया जीरो। तो एस एक्स बराबर बचा कितना, ux इंटू टी, कितने टाइम के लिए देख रहे हो आप,
तो यहां से यहां तक गिरने में जो टाइम लगा है, जितने देर में वो नीचे गिरा है उतने ही देर में वो आगे भी बढ़ेगा, है ना। तो वो टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, नीचे गिरने वाले टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और उतने देर में जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है उसे हम क्या बोल दे रहे हैं, रेंज। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं आर से। यूएक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यूएक्स का वैल्यू हमें पता है कितना है, यू है, और टी का वैल्यू कितना है, तो ये है, है ना। बहुत आसान है, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीन को पॉज करके सारी की सारी बातें आप लोग नोट कर ले, ठीक है। रेंज का वैल्यू हो जाएगा यू अंडर रूट टू एच बाई जी, ये हो जाएगा आपका। किस किसके लिए रेंज, जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है फ्रॉम अ टावर, गॉट इट, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्क्रीन में आपको देखाऊंगा मैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बदले अगर हम लोग अबव हॉरिजॉन्टल जाके प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए आप। तो चलो, आपने उसको नोट कर लिया, अब हम लोग इसमें कुछ बातें और अभी बची हुई है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ बातें और देख लेते हैं, जैसे कि आपसे किसी ने ये कहा कि अगर हम इसको u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियली उसके पास तो वेलोसिटी u है, है ना। लेकिन बोलता है एट एनी टाइम t, है ना, मतलब ड्यूरिंग मोशन, यहां से लेके यहां तक जो मोशन हो रहा है, एट एनी टाइम t किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम कह देते हैं कुछ v वेलोसिटी होगी दोस्त, है ना। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, v वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये v वेलोसिटी जो हुई है इसका वैल्यू कितना है, ठीक है, ये तो हमने ऐसे ही मन से लिख दिया कि v वेलोसिटी है, v का वैल्यू कितना है यार, तो चलो निकालते हैं। देखो x में जो एक्सेलरेशन था वो कितना था, जीरो था, x में एक्सेलरेशन कितना था, जीरो था, और y में एक्सेलरेशन कितना था, माइनस जी, सही बात है, हाँ। तो चलो x में जब एक्सेलरेशन जीरो था तो x का वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, x जैसा था वैसा रहेगा। तो यहां पे कितना था u, तो यहां पे कितना रहेगा u, लेकिन y में तो है एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, तो y में चेंज होगा, तो कितना होगा, तो देखो कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं यहां तक आने में कितना समय लगा है, t समय लगा है। हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन दिस केस, ठीक है, एट एनी टाइम, एनी टाइम टी, ठीक है, एट एनी टाइम टी कितना होगा। तो देखते हैं, x वाला तो आपने निकाल लिया जी, कितना हो गया u, और y वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो हम निकालते हैं। तो v y इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इसका क्या नाम दे दिया हमने, v y, इसको क्या बोल देंगे, v x, जिसका वैल्यू कितना है u, वी वाई का वैल्यू कितना होगा अभी हम लोग जो तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। यू आई का वैल्यू कितना था इनिशियली, हम लोग अभी पढ़े थे यू आई का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो ये हो गया जीरो, और ए वाई का वैल्यू है माइनस जी, तो ये हो गया माइनस जी, और इंटू कितना हो जाएगा टी, तो वी वाई इक्वल टू कितना हो गया माइनस जी टी हो गया, क्या कितना हो गया माइनस जी टी। तो नेट वेलोसिटी अगर हम यहां पर देखेंगे तो एक्स वाली वेलोसिटी दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वाई वाले वेलोसिटी दैट इज वी वाई जे कैप, वेक्टोरियल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। एक्स वी एक्स का वैल्यू कितना बताओ 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 बताओ, ये कितना है यू आई कैप, वी वाई का वैल्यू कितना है, कितना है माइनस जी टी इंटू कितना जे कैप, ठीक है। तो ये रहा आपका वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ इन वेक्टोरियल फॉर्म, है ना, इन वेक्टोरियल फॉर्म। अगर इसका मुझसे कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा, आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछ दिया बताओ कितना स्पीड होगा इसका, बताओ बताओ, तो आप क्या करोगे, तो आप बताओगे, कैसे बताओगे मैग्नीट्यूड इसका निकालोगे आप, x कंपोनेंट पता है y कंपोनेंट पता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी एक्स का वैल्यू कितना है यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, है ना। अब बताओ कितना हो गया ये यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका स्पीड, हाँ बोलो। वैसे एक बात बताओ, वेलोसिटी उसकी बड़ी है कि घटी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी उसकी, नेट वेलोसिटी यू थी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई यू स्क्वायर प्लस समथिंग हो गई ना, इसमें कुछ ऐड हो गया ना, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी,
बढ़ती जाएगी। और क्यों बढ़ रही है? तो ग्रेविटी की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे है और बॉडी भी नीचे जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और बात, ये जो वेलोसिटी है, अगर आपको ये बोला जाए कि बताओ तो ये एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो हम क्या बता देंगे? ये वाला एंगल बता देंगे। इसको हम क्या बोल देते हैं? अल्फा। क्या बोल देंगे? अल्फा। तो यहां से हम इस तरह से निकाल सकते हैं, कहां पे लिखा जाए इसको, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं कि क्या होगा इसका एंगल। तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या मैं टैन अल्फा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स लिख सकता हूं? अब ये मत बोलना कि सर कैसे, अगर बोलते हो तो सुनो कैसे। ये वाला अगर वी वाई है तो इसको भी मैं वी वाई यहां पे बोल सकता हूं, है ना। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि क्या हो जाता है, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, यही हो जाएगा ना, ठीक है। ये अल्फा इक्वल टू क्या लिख देंगे, टैन अल्फा इक्वल टू ये कंपोनेंट अपॉन ये कंपोनेंट, और जितना ये है उतना ही ये भी है, ये वी वाई, ये वी एक्स, तो कितना हो जाएगा ये वी वाई बाई वी एक्स, मतलब टैन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई का वैल्यू कितना बताओ जी? माइनस जी टी, है ना, और वी एक्स का वैल्यू कितना? अच्छा, यहाँ पे माइनस हम लोग नहीं लगाएंगे, पता है क्यों? सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और ये एंगल तो ऑब्वियस सी बात है जीरो के नीचे देख रहे हैं, तो एंगल तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आने वाला है। ये वाला अगर जीरो है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और ऊपर जाएंगे तो एंगल, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल नेगेटिव। तो वी वाई का वैल्यू हो गया जी टी, और वी एक्स का वैल्यू कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? यू हो गया। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? टैन इनवर्स जी टी बाई म्यू। इसको निकालने का, इस अल्फा को निकालने का एक और मेथड है, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको, तुरंत बताऊंगा, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, बात करते हैं फिर। तो चलो नोट कर लिया आपने, अब देखो ये बात, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं, है ना, ये देखो, अगर मान लो ये वी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वी कॉस अल्फा लिख सकता हूँ क्या? हाँ, वी का ये कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे तो इसको क्या मैं क्या लिख सकता हूँ? वी कॉस अल्फा, और वी कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे हम जानते हैं कि ये वाला वेलोसिटी चेंज होता नहीं है, किसके बराबर होता है? यू के बराबर। तो वी कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? यू, और यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू अपॉन वी, और वी का मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है, नेट वेलोसिटी कितना होगा, कितना हो रहा था, जो भी यहाँ पे आया था वी का वैल्यू कितना आया था? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आया था, ठीक है। इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स यू अपॉन वी, ठीक है, गॉट इट। चलो ये बात हो गई, इसके अलावा एक बात हम लोग और करेंगे, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में, कि ये जो पाथ को फॉलो कर रहा है किसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, याद है आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? द पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, एंड इक्वेशन ऑफ दैट पाथ, इक्वेशन ऑफ दैट ट्रेजेक्ट्री इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इसको डिफाइन करने की इतनी जरूरत नहीं है, है ना, देखते हैं उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? या तो आप इस तरह से निकाल लो एंगल, या फिर इस तरह से निकाल लो। अब आगे बात करते हैं, कुछ थ्योरी और बात करेंगे, देन आफ्टर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, ओके। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लो जल्दी से। चलो तो आपने ये सब नोट कर लिया है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आपको बताया था मैंने अभी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल, ओके। अब देखो बात को ध्यान से कि इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, पाथ कैसे हो रहा है फॉलोड, ये बॉडी पर कैसे, प्रोजेक्टाइल जो है वो पाथ कैसे फॉलो कर रहा है, तो ये कैसे जा रहा है? एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, हर बार ये आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है, बोलो जी, सही बात है। अब देखो आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, मतलब x में ही मूव हो रहा है और y में भी मूव हो रहा है, तो ये जो हम लोग पाथ बनाए हैं ये एक्चुअली है क्या? तो ये है ये कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में हर बार क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब क्या है कि x और y के बीच में कुछ रिलेशन होगा, उसी से ये पाथ हम लोग डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो x एक्सिस, x में x जो वैरी कर रहा है और जो y वैरी कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से वैरी कर रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो चलो देखते हैं, ओके।
एट एनी टाइम टी हम लोग कुछ ऐसा मान लेते हैं कि एट एनी टाइम टी बॉडी कुछ यहाँ पे है, ठीक है, बॉडी कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, है ना, एट एनी टाइम टी, तो ये एक्स में क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा बताओ, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, सही बात है। यू एक्स का वैल्यू कितना लिखा है हमने, यहाँ पे देखो यू लिखा हुआ है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यू इंटू टी, इसको बोल देते हैं एक्स में। अच्छा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि ए एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो, ठीक है। बॉडी कैसे चल रही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू यू टी, ओके। अब दूसरी बात देखते हैं, ठीक है, वाई में किस तरह से मूव हो रहा है, तो वाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर हम लिखेंगे यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स में टी टाइम में कितना मूव किया है, यू इंटू टी, वाई में कितना मूव किया है, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यू आई का वैल्यू कितना था, कितना था, जीरो, ये वाला जीरो, तो पूरा का पूरा टर्म जीरो, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना, माइनस जी, हम जानते हैं पहले से ये बात, और टी बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम हमेशा एज इट इज रख देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, है ना, और टी के जगह पे क्या लिख देंगे, देखो टी के जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो हमें ये जो इक्वेशन चाहिए वो किस में चाहिए, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से इसको उठा के हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि टी बराबर क्या होने वाला है, t इक्वल टू एक्स वाई यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई यू का स्क्वायर, तो y बराबर कितना बन गया यहाँ पे, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा आपका x और y के बीच में रिलेशन। वेरिएबल कौन कौन है, y वेरिएबल है और x वेरिएबल है, g क्या है, कॉन्स्टेंट, u क्या है, कॉन्स्टेंट हाफ, ऑलरेडी बात सही आपको समझ में आ रही है, ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो x के अकॉर्डिंग y कैसे वैरी कर रहा है ये कौन बता देगा, ये बता देगा आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करेंगे हम लोग प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर, और प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, पैरेलल टू द, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ओके, ऐसा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, ऐसा होना चाहिए प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने निकाल लिया क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इसको भी नोट डाउन करेंगे, और अब हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है, एंड देन आफ्टर आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे, पहले इसको आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो, इतनी बातें आपने पढ़ ली, आपने सारा थ्योरी पार्ट आपने इसका पढ़ लिया, और भी कुछ कुछ बातें हैं, हम लोग जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग करते जाएंगे। फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा उसको अपना अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है अच्छे तरीके से, आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन के थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थ्योरी पढ़ते जाओगे और क्वेश्चन नहीं लगाओगे, ठीक है, उसको बोलते हैं गेम हो गया, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग पहले क्वेश्चंस लगाएंगे, जो भी थ्योरी पढ़े हुए हैं उस चीज़ को समझते हैं हमारे लाइफ में उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। बहुत छोटी सी बात, ठीक है, मान लो रोहित शेट्टी की मूवी देखी है तुमने, देखी है ना, ठीक है, साउथ की मूवीज देखते हो, है ना, क्या होता है, एक हीरो आता है और हीरो क्या करता है, ये बिल्डिंग से छलांग लगाया उसने, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आया, छलांग लगा दिया, बाइक से ऊपर से ही उसने स्टंट मार दिया, और स्टंट मारते मारते कुछ ऐसे गिर गया, ठीक है। तो मान लो कुछ ऐसा है कि एक बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और उसकी हाइट है कुछ 500 मीटर, ठीक है, टाइगर श्रॉफ है इसमें, है ना, और टाइगर श्रॉफ अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, वॉर मूवी देखी होगी तुमने। अब यहाँ से वो बाइक से क्या कर रहा है, वो बाइक से टाइगर श्रॉफ क्या कर रहा है, यहाँ से जंप मार रहा है, ठीक है, तो जोर से आया वो और यहाँ से जंप मारा, कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से जंप मारा, u का वैल्यू हम लोग कुछ ले लेते हैं, कितना 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सुपर बाइक थी, है ना, अच्छी खासी स्पीड है उसकी, 100 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्या हो रहा है, ये बाइक जब यहाँ पे जा रहा है तो, है ना, और ये है कितनी 500 मीटर। अब यहाँ पे जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़े थे उस चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बोलता है कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा,
ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी आपको फॉर्मूला बताया टी बराबर कितना होता है, अंडर रूट 2h बाई जी। क्या लिख दोगे आप, 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है 500 अपॉन कितना जी। सही बात है, अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला याद है तब तो बढ़िया, और नहीं याद है तो क्या करोगे, जिस तरह से आपको बताया था मैंने, ठीक है, उसको डिराइव करने के लिए डायरेक्टली वो चीज़ लगा लो। कंसेप्ट कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला कभी भूल भी गए तो कंसेप्ट नहीं भूल सकते आप, ठीक है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, और g का वैल्यू यहाँ कितना डाल दूंगा मैं, 10। कट गया कट गया, ये बचा 100, और ये आया आपका कितना आया, कितना आया 10 सेकंड आ गया। मतलब ये इस बिल्डिंग से नीचे गिरने में उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। आपसे ये बोल दिया कि बताओ बेटा रेंज क्या होगा, है ना, मतलब ये कितनी दूर पे जाके गिरने वाला है, ठीक है, ये वाला रेंज कितना होगा। तो हम लोग क्या बताएंगे, रेंज का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, आर बराबर कितना कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी इंटू टाइम कितना हो जाएगा, यू इंटू टी कितना हो जाएगा वैल्यू, यू का वैल्यू कितना है 100 है 100, और टी का वैल्यू कितना है 10। कितने दूर पे जाके गिरेगा ये, 1000 मीटर पे जाके गिरेगा। थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो सुपर हीरो है, क्या कर सकते हो आप, ठीक है। 1 किलोमीटर दूर जाके गिरा वो, 1000 मीटर का मतलब क्या, 1 किलोमीटर दूर जाके गिरा, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। थर्ड है ना, अच्छा इसका मैक्सिमम हाइट कोई बोलेगा क्या आपको निकालने के लिए, सोच के देखो, मैक्सिमम हाइट तो ऑलरेडी इसके पास है, कितनी है मैक्सिमम हाइट से तो वो कूद रहा है ना, 500 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट है, वहां से तो वो कूदा है, ओके। आपको इस किसी ने कह दिया कि बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कितना होगा, तो हम लोग उसका ही फॉर्मूला पढ़े हैं, वाई बराबर माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर पढ़े, ठीक है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू यू का स्क्वायर, यू का स्क्वायर कितना, तो मतलब 100 का स्क्वायर, सही है। अब देखो क्या मिलेगा यहां से, y इक्वल टू काटम कुटम कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया 5 और इधर कटेगा कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10005 से कटा कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा। तो ये इसका बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, देखो कितना आसान है सब कुछ, ठीक है, ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, बेसिक सा प्रॉब्लम ये इसलिए है ताकि आपको एक बार वो थ्योरी जो आपने पढ़ी थी वो आपको समझ में आ जाए। अब आपको ये बोल देता है, ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि जब ये आके ग्राउंड के ऊपर गिरेगा, ठीक है, जब यहाँ पे गिरेगा तो ये कहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, तो बोलता है कि इसका इसका जो है इसका जो है इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो किस डायरेक्शन में है वेलोसिटी इसका, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, टेंजेंशियली गिर रहा है ये, ऐसे ऐसे बना लेते हैं हम इसको, ये ला टेंजेंशियली गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, ये वेलोसिटी होगी इसकी कुछ, इसका बोलता है कि किस वेलोसिटी से जाके वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो देखते हैं कैसे स्ट्राइक करेगा, यही है ना मोशन का डायरेक्शन, तो ऐसे ही जाके स्ट्राइक करेगा वो, ठीक है। कितना कितना हो जाएगा वो वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, चलो ध्यान से देखना बात को, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम लोग यहाँ पे इसका x कंपोनेंट निकाल लें और y कंपोनेंट निकाल लें, ठीक है, और v बराबर ऐसा कर दें अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, कर सकते हैं। vx का वैल्यू कितना होगा बताइए, आप सब लोगों को पता है कि vx का वैल्यू क्या होता है, vx का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो कितना रहेगा, जितना था उतना रहेगा, ओके। और vy का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा vy का वैल्यू, कितना हो जाएगा ui प्लस ay इंटू टी, ठीक है। ये t की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से यहां तक आने वाला टाइम, मतलब ये टाइम कौन सा हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। सो vy बराबर ui का वैल्यू तो हो गया 0, ay का वैल्यू हो गया माइनस जी, और t तो आपको पता ही है कितना है, 10 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया, g का वैल्यू भी यहां पे डाल ही देता हूं मैं, 10 इंटू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 सेकंड, कितना मिला आपको, कितना मिला माइनस 100 मीटर पर सेकंड। और यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहां पे, कितना दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड, ओके। तो दोनों का वैल्यू आपका क्या आया, सेम सेम आया। ये मत समझ लेना यार कि ये वाला 100 है इसलिए ये भी 100 आ गया, ना 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 ना, कभी नहीं, ठीक है। ये
बाय चांस ये आ गया दोनों का वैल्यू सेम, बट इट डजंट मीन कि दोनों का वैल्यू सेम सेम आ जाएगा, ऐसा कुछ मत सोच लेना, ठीक है। v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिख सकते हैं ना। वी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना है 100 आई कैप प्लस वी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, तो माइनस 100 जे कैप, ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टोरियल फॉर्म में। और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 100 रूट 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर बोलेगा कि बताओ ये कितने एंगल पे आके स्ट्राइक करेगा, ठीक है आपको तो पता ही है ये बात, मान लो कि ये बीटा एंगल पे आके स्ट्राइक करेगा, इस बीटा का वैल्यू कितना है, कहाँ निकाल दे इसको, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है चलो देखो ये बीटा का वैल्यू कितना है, तो हम बोल सकते हैं टैन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स, टैन बीटा इक्वल टू कितना वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई का वैल्यू कितना है 100, वी एक्स का वैल्यू कितना है 100, माइनस का शो कर रहा है इसको ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, माइनस का शो कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एंगल हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, नीचे वाला एंगल देख रहे हैं, ठीक है तो ऑलरेडी उसमें हमने माइनस कंसिडर कर लिया है, 100 100 कट गया, वैल्यू आया 1, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो जो जो बातें हमने अभी पढ़ी थी वो सारी बातें हमने इस प्रॉब्लम में देख लिया, अब इससे थोड़ा ऊपर लेवल के प्रॉब्लम देखेंगे, ओके।